हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, जिसका हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और टॉपिक का हम लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम एल्केन्स ऑलरेडी पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और साइक्लो एल्केन्स में हम समझ चुके हैं कि साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं, साइक्लो एल्केन्स के लिए जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने पूरी तरीके से समझ लिया है। तो इस वीडियो में हम इसी को ही और आगे बढ़ाएंगे और इस लेक्चर में हम एक स्पेसिफिक साइक्लो एल्केन को लेंगे और उसके लिए हम बेंट या बनाना बॉन्ड्स के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं और समझते हैं कि बेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, आप सभी से पूछा जाता है बेंट बॉन्ड क्या होता है, या फिर इसी को ही दूसरे नामों से जाना जाता है बनाना बॉन्ड। ठीक है, अब बनाना बॉन्ड क्यों कहते हैं इसके बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे करते हुए सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप सभी के सिलेबस में बेंट या बनाना बॉन्ड को एक स्पेशल केस में हमें डिस्कस करना है। कहने का ये मतलब है कि बेंट या बनाना बॉन्ड वास्तव में तो बहुत सारे कंपाउंड्स में मिल सकता है, चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों चाहे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जीओसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो हम एक स्पेशल साइक्लो एल्केन्स को लेने वाले हैं जिसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। क्या मैंने बोला? जिसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। अब ये साइक्लोप्रोपेन के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और जब हम अपने साइक्लो एल्केन्स के प्रॉपर्टीज़ पर बात कर रहे थे तो उस केस में भी हमने साइक्लोप्रोपेन को ही लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए कि क्या होता है बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। जो हमारा बेंट बॉन्ड होता है वो बनाना शेप की तरह होता है, इसलिए इसको हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। और बनाना बॉन्ड हमारे इंडिया में ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन अगर फॉरेन कंट्री में देखा जाएगा तो वहाँ पर बेंट बॉन्ड के नाम से इसे पुकारा जाता है, यानी कि रिकॉल किया जाता है। यहाँ पर हम बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड को समझने से पहले कुछ और पॉइंट्स को हमें समझना होगा ताकि हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हम आप सभी को पढ़ा चुके हैं कि अगर हमारे पास दो ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, ठीक है, क्या है, दो ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं, और इनका अगर लेटरल ना कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग अगर हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है तो इस प्रकार का जो बना हुआ बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते थे। और अगर हमारे पास कोई भी ओवरलैपिंग पैरेलल हो जाए, यानी कि कुछ इस प्रकार से अगर कोई भी ओवरलैपिंग हो जा रहा है, तो इस प्रकार का ओवरलैपिंग हमारा क्या कहलाता है, हमारा इस प्रकार का ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड या पाई ओवरलैपिंग कहलाता था। इसके बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में और आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर में भी था, ठीक है, लेकिन इसे हमने दो सेमेस्टर में डिस्कस किया है मुझे जहाँ तक याद है। ओके, तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल काइंड के बॉन्ड पर जिसे हम कहते हैं बनाना बॉन्ड। तो बनाना बॉन्ड बेसिकली कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, ध्यान दीजिए, ये ऐसे आया एक हमारे पास ऑर्बिटल और ये दूसरा ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से अगर पूरे शेप को देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा और इसे मोटा मैं कर देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ हमारे पास शेप है। ठीक है,
ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड कहते हैं। फिलहाल बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन के केस में, हमें डिस्कस करना है चीज़ों को, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं साइक्लोप्रोपेन के केस में। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम ऑलरेडी आप सभी को बता चुके हैं कि साइक्लोप्रोपेन का जो हमारे पास मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो होता है C3H8 होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कार्बन्स की संख्या 3 है, इसलिए हमने CH2 के बेस पर हमने यहाँ पर काम कर दिया। ओके, यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो CH2 ऐसे लिखा जा सकता है, अगर इसके स्ट्रक्चर पर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास हो गया CH2 और ये हमारे पास हो गया CH2 और ये हमारे पास हो गया CH2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर हुआ। अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाए तो इसी को ही ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर ऐसे बनाया जा सकता है। ठीक है, और इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो यह एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर है, और जो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हमेशा याद रखिएगा, साइक्लोप्रोपेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्लानर ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो साइक्लोप्रोपेन जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर होता है प्लानर ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसी को ही मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ तो समझने का प्रयास करिएगा, ये हमारे पास कार्बन एटम है, ये हमारे पास कार्बन एटम है, ये हमारे पास क्या है, कार्बन एटम है। ठीक है, ध्यान, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस बात को यहाँ पर नोटिस किया जा सकता है कि अगर प्लानर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि इनका जो सेंटर एटम है, कहने का मतलब ये है कि अगर इसे को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक नया स्ट्रक्चर, ये हमारे पास कार्बन एटम, ये हमारे पास क्या है, कार्बन एटम, ये हमारे पास क्या है, कार्बन एटम। ठीक है, अब इनसे हमारे पास दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन क्या होता है, समझने का प्रयास करिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। चूंकि यह प्लानर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है तो ट्रायंगल तो दिख रहा है, प्लानर का मतलब ये हुआ कि किसी एक प्लेन में प्रेजेंट है। जैसे कि अगर ये हमारा हथेली जो हमारा हाथ है, अगर इसको हम कह रहे हैं कि ये एक प्लेन है, तो हर एक कार्बन एटम इसी पर ही प्रेजेंट है। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यानी कि हर एक कार्बन से दो हाइड्रोजन लिंक हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, वेज बॉन्ड की सहायता से ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से लिंक है, और यहाँ पर भी मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा हाइड्रोजन एटम लिंक है, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये हमारे पास इसका एक हाइड्रोजन एटम लिंक है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा और बेंट कर देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये ऐसे होता है कुछ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम लिंक है, तो ये सपोज कर लेते हैं कि ये पीछे वाला हाइड्रोजन एटम है। तो अगर हम आगे वाले हाइड्रोजन पर बात करते हैं तो उसे हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये हाइड्रोजन लिंक हुआ, और यहाँ पर भी हमारे पास ये हाइड्रोजन लिंक हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हुआ, ये हाइड्रोजन लिंक हो गया। ठीक है, इसके बारे में तो हम आइसोमेरिज में के लेक्चर में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस भी किए थे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो जब यह प्लानर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है तो इसमें हर एक कार्बन एटम क्या है, एक सरफेस पर प्रेजेंट है, और हर एक हाइड्रोजन एटम अगर देखा जाए तो हर एक कार्बन से या तो आगे से लिंक है या तो इसके पीछे से लिंक है। ठीक है, अब इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई, तो अब यहाँ पर आइए इस स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक CH2 मॉलिक्यूल को दो CH2 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, चाहे इस CH2 को देखें, चाहे इस CH2 को देखें, चाहे इस CH2 को देखें, हर एक CH2 मॉलिक्यूल को दो CH2 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो जब ये खींच रहे हैं तो यानी कि इनका जो इफेक्ट होगा वो हर एक CH2 मॉलिक्यूल पर सेम होगा।
तो जब हर एक CH2 मॉलिक्यूल पर सेम होगा तो ये जो लेंथ है जिसे हम कह रहे हैं बॉन्ड लेंथ, वो हर एक केस में क्या है, बराबर होगा। तो बराबर को ऐसे ही तो रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि हमारे पास यह जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका हर एक साइड क्या है, एक दूसरे के बराबर है। और जब किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल उसे कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और जब यहाँ पर इसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इनके बीच का यह जो एंगल होता है, क्या होता है, इनके बीच का यह जो एंगल होता है वह 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास समबाहु कोण, जो समबाहु त्रिभुज होता है उनके जो कोण होते हैं वो 60 डिग्री के ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 60 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगले पॉइंट पर, ये बातें आपको समझ में आए, कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने ये बोला कि हमारे पास जो साइक्लोप्रोपेन होता है वह प्लानर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को शो करता है। इसमें जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं वो एक प्लेन पर प्रेजेंट होते हैं, और हर एक हाइड्रोजन एटम या तो आगे से लिंक होता है कार्बन से या तो पीछे से लिंक होता है। इनके बीच का जो एंगल होता है वो लगभग 114 डिग्री या 115 डिग्री के आसपास होता है। और अगर बात किया जाए तो हर एक कार्बन एटम के बीच जो हमारे पास यह ट्रायंगल बना हुआ है या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि इनमें जो CH2 मॉलिक्यूल है वो इक्वल फोर्स से हर एक CH2 मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाते हैं, इसलिए यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, यानी कि समबाहु कोण होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज होने की वजह से हर एक एंगल जो होता है वह 60 डिग्री का हो जाता है। और जब यह 60 डिग्री का एंगल हो जाता है तब अगले मुद्दे पर अब हम बात करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगला मुद्दा यह कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास कार्बन एटम प्रेजेंट है, सपोज करते हैं यहाँ पर समझने के लिए तैयार है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हर एक CH2 मॉलिक्यूल को अगर काउंट किया जाए तो 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, हर एक CH2 पर अगर बात किया जाए तो वह हर बार 4 सिग्मा बॉन्ड को बना रहा है। और जब भी कोई भी कार्बन एटम, कोई भी एटम 4 सिग्मा बॉन्ड को बनाता है तो उस पर जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आप सभी को पढ़ाया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर एक कार्बन एटम पर क्या है, हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हर एक कार्बन एटम पर है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर हमारे पास हर एक कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इससे दो हाइड्रोजन लिंक हुए हैं, तो इसके पास एक अभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा हुआ है। तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया, ये लीजिए, ये हमारे पास क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर भी हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये हमारे पास हो गया ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिमिलरली ये हमारे पास क्या हो गया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। ये जो हमारे पास एंगल बना हुआ था 60 डिग्री, ये एक्चुअली इंटर न्यूक्लियर एंगल है, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एंगल है। और यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे पास करा देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर रहा हूँ, पास करा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन अगर गुजर रहा है, ठीक है, तो ये भी कहीं एक जगह जाकर लिंक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये क्यों मैं ड्रा कर रहा हूँ इस पर बात करते हैं। अगर हमारे पास हर एक CH2 मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम कंटेन करता है तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें जो हमारे पास एंगल होता है वह 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट।
ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे पास एंगल होगा वह 109 डिग्री 28 मिनट होगा, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे पास एंगल होगा वह भी 109 डिग्री 28 मिनट ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब बनाना बाउंड की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिए पॉइंट को, यहाँ पर मैं यह बताना चाहता हूँ अभी भी कि हमारे पास जब अगर ध्यान से देखा जाए तो एक CH2 मॉलिक्यूल दूसरे CH2 मॉलिक्यूल से जब लिंक होगा यह हमारे पास इंटर न्यूक्लियर एंगल है और यह हमारे पास क्या है इंटर ऑर्बिटल एंगल बना हुआ है। ये क्या है, ये इंटर ऑर्बिटल एंगल है क्योंकि दो ऑर्बिटल के ओवरलैप से यह एंगल बनेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ से ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, वो तो हमारे पास 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना है 60 डिग्री है। यहाँ पर भी अगर हमारे पास ओवरलैपिंग होता है तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना है 60 डिग्री है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास जो ओवरलैपिंग होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना है 60 डिग्री है। इसलिए यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है उसमें तनाव है, स्ट्रेन है, और आगे चलते हुए हम एक लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे स्ट्रेन थियरी, तो वहाँ पर इसे और भी डिटेल में हम समझेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रेन मिल रहा है एंगल के बीच में, इसलिए हमारे पास जो साइक्लोप्रोपेन होता है वह हाईली रिएक्टिव होता है या हाईली अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से यह हाईली रिएक्टिव भी हो जाता है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और इस प्रकार अगर यहाँ से एक बॉन्ड को हम बना देते हैं, यहाँ से एक बॉन्ड को बना देते हैं और जो कि एक्चुअल में बनता भी है, तो इसी बॉन्ड को ही हम कहते हैं बनाना बॉन्ड। क्या कहते हैं? बनाना बॉन्ड, इसी बॉन्ड को ही हम कहते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बहुत ही आसान सा पॉइंट था, बस इन चीज़ों को मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया है, तो इसलिए इतना टॉपिक्स को डिटेल में समझना पड़ा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ चुके होंगे कि बनाना बॉन्ड क्या होता है, और ये जो बॉन्ड है इसका शेप बनाना की तरह दिखता है इसलिए इसको बनाना बॉन्ड कहते हैं, अदरवाइज इसे एक्चुअल में बेंट बॉन्ड कहते हैं क्योंकि ये बेंट होने की वजह से बना होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इतनी चीज़ों का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो अब चलिए बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड्स के नोट्स पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यह जो हमारे पास एक स्पेशल केस के अंतर्गत जब पूछा गया है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है। यह आपको शॉर्ट आंसर में भी मिल सकता है, लॉन्ग आंसर में भी मिल सकता है और वेरी शॉर्ट आंसर में भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने लिख दिया कि जो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन होता है इसका हम ऑलरेडी जानते हैं इसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, C3 होता है H6 होता है, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोग जानते ही होंगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि साइक्लोप्रोपेन जो होता है वह प्लानर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को रखता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर को तो हम ऑलरेडी काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। The carbons that constitute the ring have no other alternative than to lie on a plane. क्या कहता है कि हमारे पास जो साइक्लोप्रोपेन है जब वह प्लानर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को रखता है तो उसमें जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि वो एक ही प्लेन पर प्रेजेंट हों सभी के सभी कार्बन। हाइड्रोजन जो होंगे वो आगे पीछे लिंक हो सकते हैं, लेकिन जितने भी कार्बन्स हैं वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर ये प्लेन हम ले लेते हैं तो इसी प्लेन में हमारे पास तीनों कार्बन प्रेजेंट होंगे, ओके। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। ऑल दी थ्री कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बीइंग इक्वल इन लेंथ, मैंने बताया कि हमारे पास जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो इक्वल लेंथ में होते हैं क्योंकि CH2 इक्वल फोर्स लगाते हैं, इसलिए The three कार्बन कॉन्स्टिट्यूट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसलिए हमारे पास जो ट्रायंगल होता है वह समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। और इसलिए हमारे पास जो एंगल होते हैं द बॉन्ड एंगल्स आर 60 डिग्री, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इन विच द कार्बन 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 बॉन्ड एंगल्स आर 60 डिग्री,
ठीक है, क्योंकि वह इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऑल द कार्बन्स बीइंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ठीक है, हमारे पास जितने भी कार्बन प्रेजेंट हैं CH2 में कार्बन जो हमारे पास प्रेजेंट हैं वो sp3 हाइब्रिड स्टेट में होते हैं, इसलिए वो 109 डिग्री 28 मिनट को शो कर सकते हैं एंगल को। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया दी एंगल शुड हैव बीन 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन वास्तव में कितना है 60 डिग्री है। इसलिए हेंस देयर इज अ रियली हाई इंटरनल एंगल स्ट्रेन, इसलिए वहां पर जो हमारे पास एंगल स्ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। दिस मेक्स, और यह बनाता है उस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव बना देता है, यानी कि यह काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देता है। और जब कोई भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है तो वह अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, रिएक्शन करता है। ओके, तो इसलिए अगले पॉइंट पर हम बात कर सकते हैं द फैक्ट दैट, अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि द फैक्ट दैट साइक्लोप्रोपेन इज अनस्टेबल एंड रिंग ओपन अप वेरी इजिली। क्या बात मैंने बोला, मैंने यह बोला कि हमारे पास यह फैक्ट है कि जो साइक्लोप्रोपेन होता है यह काफ़ी अनस्टेबल होता है, इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जब यह रिएक्टिव होता है तो इसका जो रिंग होता है यह बहुत ही ईजिली क्या होता है, ओपन हो जाता है। और इसका मतलब यह हुआ कि वुड सजेस्ट दैट, यह सजेस्ट करता है कि द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन आर नॉट ट्रू सिग्मा बॉन्ड्स। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यह जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहते हैं क्योंकि यह हमारे पास एक्सियल ओवरलैपिंग करता है, तो यह जो हमारे पास बॉन्ड होता है यह पूरी तरीके से ट्रू सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है, तभी तो यह बहुत ही आसानी से टूट जा रहा है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। तो अब चलिए अगले पॉइंट्स को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि हमारे पास जो साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है वो एक्चुअल में ट्रू सिग्मा बॉन्ड नहीं है, तो वो कौन सा बॉन्ड है इस पर हम बात करने वाले हैं। तो साइक्लोप्रोपेन रिंग बीइंग प्लानर, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि हमारे पास जो साइक्लोप्रोपेन रिंग होता है वह प्लानर होता है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मैंने क्या बोला, मैंने यह बोला कि जो हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बना हुआ है टू फॉर्म, और इस प्रकार यह क्या करता है, यह बेंट बॉन्ड को बनाता है, या फिर कहा जा सकता है या बनाना बॉन्ड को कहा जा सकता है। और यह जो बेंट या बनाना बॉन्ड होता है यह ना तो सिग्मा बॉन्ड ही होता है और ना ही यह पाई बॉन्ड ही होता है, बल्कि यह दोनों का ही करेक्टरिस्टिक शो करता है और दोनों के ही मिडिल रेंज में कहा जा सकता है कि यह सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच का एक बॉन्ड है, ऐसा भी कहा जा सकता है। ठीक है, और इस प्रकार का जो ओवरलैपिंग होता है यह ना तो एक्सियल होता है ना ही पैरेलल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया दी ओवरलैप बीइंग नाइदर एक्सियल नॉर पैरेलल। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं अपने बनाना बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कार्बन एटम है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कार्बन एटम है। ठीक है, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर हमारे पास एक और कार्बन एटम है। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका हाइड्रोजन एटम एक लिंक है। ठीक है, ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ हाइड्रोजन एटम को लिंक करने के लिए, और ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम लिंक है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम लिंक है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर लिंक करा देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में ही। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम और ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर बना देता हूँ मैं ये कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे इतना मोटा मत बनाइए, थोड़ा पतला कर दीजिए। ओके,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। बस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक हाइड्रोजन हमारे पास पीछे लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन हमारा आगे से लगा हुआ है और कुछ भी नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। वैसे भी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो यार, इतनी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन एटम लिंक है। अब ध्यान दीजिएगा कि बनाना बॉन्ड कैसे बनता है। इसका एक हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आता है, इसका एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आता है, तो वो कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके, थोड़ा सा इसको भी बेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ों को और भी अच्छे से बना सके हम। इसको थोड़ा सा यहीं से ही मोड़ देते हैं और इसको भी, ये लीजिए आपका बन गया बनाना बॉन्ड। ये हमारे पास क्या है, ये कुछ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारे पास है एक बॉन्ड और ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। खैर कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ज़्यादा डिफरेंस है तो इसे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास ऐसे आ गया और ये हमारे पास ये कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ये जो हमारे पास बना हुआ बॉन्ड है जो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, ऐसे करते हुए ऐसे। ठीक है, ओवरऑल अगर इसको बनाने का प्रयास किया जाए तो ऐसे बनेगा और फिर ये ऐसे होते हुए यहाँ पर आएगा। सिमिलरली ऐसे होते हुए यहाँ पर आना चाहिए, ये ऐसे होते हुए यहाँ पर आना चाहिए। तो यानी कि ये जो हमारे पास बना हुआ बॉन्ड है, इसे हम क्या कह सकते हैं, बनाना बॉन्ड कह सकते हैं। और इसे मैं एक्चुअल में क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही तो प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह हमने अपने टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। अगर आप बनाना बॉन्ड को बताना चाहते हैं कि कहाँ है, तो ये बना दीजिए कि ये बेंट बॉन्ड है, या फिर इसी को ही कहा जा सकता है कि यही हमारा प्यारा बनाना बॉन्ड है। ओके, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। हमने अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया कि बेंट या बनाना बॉन्ड किसे कहते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी डाउट बचा होगा तो आप लोग लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा। वैसे बहुत ही आसान तरीके से मैंने पूरी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में समझाया है। वैसे एक छोटा सा पॉइंट और भी मैं इंक्लूड कर सकता था, लेकिन फ़िलहाल उसको मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई होंगी। और आगे चलते हुए हम एक स्ट्रेन थ्योरी पर भी बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, तो उसे जब हम समझेंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम रिंग स्ट्रेन के बारे में भी समझाएंगे। यहाँ पर तो मैंने आपको समझाया कि एंगल स्ट्रेन क्या होता है, अब आगे चलते हुए हम डिस्कस करेंगे कि रिंग स्ट्रेन क्या होता है, रिंग में कैसे तनाव आता है, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर से नोटिफिकेशन पाने होंगे तो ज़रूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।